अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सदीका नौरीन फ्रॉम fxforever.com। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, कल जो मैंने गोल्ड का एनालिसिस शेयर किया था, उसमें से किस किस ने प्रॉफिट अर्न किया और किस किस को उससे फ़ायदा हुआ और किस किस को मेरा दिया हुआ एनालिसिस पसंद आया, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि गोल्ड की मूव मैं क्या देख रही हूँ और किस तरह गोल्ड मूव कर सकता है। बाकी ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे तो गोल्ड को हम इस एरिया से सेल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, सेल करेंगे क्या? मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में गोल्ड का सिग्नल दे दिया हुआ है। स्टॉप लॉस इसका हमने रखा है 100 पिप्स का, और टारगेट जो इसका मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है वो है, इसकी फर्स्ट सपोर्ट जो है वो है 1750 की, और सेकंड सपोर्ट है इसकी 1740 की। इन दो जगह से हमें रिजेक्शन मिलेगी तब हम इसमें बाय की एंट्री ले सकेंगे। हमें वेट करना होगा, अगर तो गोल्ड अपने इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है जो सपोर्ट बन रही है 1740 की, अगर गोल्ड अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तो हम इसमें अगेन सेल की एंट्री ढूंढेंगे। इसके अलावा हम इसमें सेल की ट्रेड नहीं ले सकते। और अगला नेक्स्ट लेवल जो है वो मैं अभी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद गोल्ड में जो नेक्स्ट बनेगी, वो नेक्स्ट जो लेवल इसका बन सकता है 1730 का लेवल है, 1730 और 1725। इस एरिया से हम इसकी बाइंग को देखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ही हमें इसकी बाइंग मिलेगी अच्छी वाली। आप देखेंगे देखें कि गोल्ड अभी इस चैनल में मूव कर रहा है। यहाँ से भी इसके बाय के चांस बन सकते हैं और इस एरिया से भी इसके बाय के चांस बन सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेवल्स भी लगा देती हूँ, बता देती हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करे और बुलिश रिवर्सल अगर आपको मिले तो हम यहाँ से बाय की एंट्री तलाश करेंगे, नहीं तो हमें वेट करना पड़ेगा और हमें जहाँ से अच्छी एंट्री मिलेगी हम वहाँ से बाय करेंगे। स्टॉप लॉस मैक्सिमम हमारा जो होता है वो 100 पिप का होता है, और टारगेट 300 से 500 पिप्स तक भी हम रख सकते हैं इसका। गोल्ड आगे FOMC आ रही है और गोल्ड ने बहुत अच्छी मूव देनी है। जिस तरफ भी देगा उस तरफ काफ़ी अच्छी मूव इसकी होगी। बाकी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगे, और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।